इसके लिए मैंने बोनलेस लिया है और बोनलेस को मैंने इतने इतने पीसीज में यानी दो दो इंच के पीसीज में काट लिया है। और इसको मैं सबसे पहले करूंगा मैरिनेट। इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ डेढ़ चम्मच यानी डेढ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। 150 ग्राम मैंने इसके अंदर डाल दिया दही, आधा चम्मच नमक और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, साथ ही में थोड़ा सा ये शाही जीरा। और इसको अब हम करेंगे मैरिनेट और इसको छोड़ देंगे हम 1 घंटे के लिए। दूसरी तरफ मैं रखूँगा एक फ्राई पैन, कुछ ड्राई फ्रूट्स को मैं घी के साथ रोस्ट करूँगा। ये मैंने लिया बादाम जिसका छिलका मैंने उतारा हुआ है, इसके अंदर डालूँगा 3 चम्मच देसी घी, ये 50 ग्राम बादाम है, 30 ग्राम खसखस और 50 ग्राम काजू। इसको हम भूनेंगे घी के साथ और साथ ही में ये चिरौंजी वो भी 30 ग्राम। हमें इसको तब तक फ्राई करना है जब तक इसके अंदर कलर ना आ जाए। ये जैसे ही फ्राई हो जाएगा तो इसको जो है हमें पीसना है। जो फ्राई हम कर रहे हैं उसको रोकने के लिए मैं जब गैस बंद करूंगा तो साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगा मैं पानी थोड़ा सा, ताकि ये काला ना पड़े जितना भी हमारा ड्राई फ्रूट है। अब इसको मैं गैस करूंगा बंद और इसमें डाल दूंगा मैं ये थोड़ा सा पानी और इसी पानी के साथ मैं इसको पीस लूँगा। और उसको बोटी बनाने के लिए मैंने लिया है देसी घी, 2 से 3 इलायची, थोड़ी सी साबुत काली मिर्च, दालचीनी और तेजपत्ता, साथ में इसके अंदर थोड़ा सा मैं डालूंगा शाही जीरा। और अब इसके अंदर डाल दूंगा मैं ये लच्छा किया हुआ प्याज और इस प्याज को हमें ब्राउन करना है। और अब इसके अंदर मैं ये मटन डाल दूंगा जो कि मैंने 1 घंटे से मैरिनेट करके छोड़ा हुआ था। और इसको मटन को हम अच्छी तरीके से भूनेंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं डालूंगा आधा चम्मच पीली मिर्च, 1 चम्मच धनिया का पाउडर और इसको हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर ताकि जो हमारा प्याज है वो गल जाए, वो गलने में मदद करेगा पानी हमारे प्याज को। नमक मैंने ऑलरेडी पहले से ही डाला हुआ है इसके अंदर और साथ में ये जो पानी है इसके इसी की मदद से मटन भी गलेगा। ये आधा चम्मच इलायची का पाउडर, आधे से थोड़ा कम चम्मच जो है मतलब आप समझ लीजिए 1/4 चम्मच जो है मैंने इसके अंदर डाला है जावित्री का पाउडर। और गैस को हम करेंगे कम और हल्का सा पानी मैं इसमें डालूंगा, पका लेंगे। आप चाहें तो आप उबाल के भी बना सकते हैं इसको, बट वो मज़ा नहीं आएगा जो कि ऐसे आएगा। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगा वो काजू, खसखस, चिरौंजी और बादाम का पेस्ट और इसको भी हम अच्छी तरीके से मिला देंगे इसके अंदर। और इसके अंदर मैं डालूंगा थोड़ा सा पानी और हल्की आंच पे इसको पकाऊंगा ताकि जब तक हमारा मटन गल ना जाए। इसको अब हम ढक देंगे और हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे करीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ये हमारी लगन की जो बोटी है बनके तैयार हो चुकी है। मटन हमारा जो है इसमें पूरा तरह से गल चुका है। इसको 2 तरीके से सर्व किया जाता है, एक स्नैक्स की तरह से और दूसरा ग्रेवी की तरह से। अगर आपको ग्रेवी के साथ खाना है तो आप इसको ऐसे ही सर्व करेंगे, अगर आपको स्नैक्स के तौर पे खाना है तो हम इसको और सुखाएंगे 2 से 3 बूंद केवड़े की। और इसको आप खाएं खमीरी रोटी के साथ,
तो इसका मज़ा ही बिल्कुल हटके आएगा। तो ये हमारी लगन की जो बोटी है बिल्कुल तैयार हो चुकी है और इसको मैं करूँगा सर्व। देखिए बिल्कुल हल्की हल्की रसा है इसके साथ। इसको हम गार्निश करेंगे हरा धनिया और अदरक के साथ। डिश अपने आप में बहुत हैवी है, बनाने में भी इसको बहुत मज़ा है और खाने में तो है ही है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। मेरी आईडी है chef.anirudh80। शेफ अनिरुद्ध सेठी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।